नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम खरीदारी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दायर याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए पटना हाईकोर्ट में गुहार लगाई गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के वकील संजीव निकेश ने बताया कि गुरुवार की सुबह न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे की एकल पीठ से मामले पर जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई गई है। कोर्ट ने उनके अनुरोध को मंजूर कर लिया है। अगले सप्ताह मामले पर सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि सुबह में होने वाले पंचायत चुनाव में ईवीएम की खरीद के लिए निर्वाचन आयोग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से 21 जुलाई 2020 को जारी उस हिस्से को चुनौती दी गई है, जिसके तहत प्रत्येक राज्य के निर्वाचन आयोग के लिए ईवीएम वीवीपैट मशीनों की आपूर्ति व डिजाइन के पहले भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेना अनिवार्य है। इस वर्ष राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ईवीएम मशीनों की खरीदारी करने के पूर्व निर्वाचन आयोग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए पत्र भेजा था, लेकिन अब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने से पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि पंचायती चुनाव के लिए एक विशेष तकनीक युक्त ईवीएम की जरूरत है, जिसे सिक्योर डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल प्रणाली कहा जाता है। इस ईवीएम की आपूर्ति करने के लिए हैदराबाद की कंपनी इसी आईएल भी आपूर्ति करने को तैयार है, किंतु भारत का निर्वाचन आयोग अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी आरोप लगाया है कि तकनीकी युक्त ईवीएम मशीनों की आपूर्ति की मंजूरी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पंचायती राज चुनाव के लिए खुद भारत निर्वाचन आयोग ने दी है, लेकिन बिहार में होने वाले पंचायती चुनाव में मशीन की खरीद करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में आयोग भेदभाव कर रहा है। वहीं बिहार में पंचायत चुनाव 2021 को लेकर 800 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र का गठन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मतदान केंद्रों के गठन की प्रक्रिया को लेकर 800 मतदाताओं पर एक बूथ के गठन की तैयारी की गई है। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए 1000 मतदाताओं पर एक बूथ का गठन किया गया था। राज्य में वर्ष 2016 में हुए पिछले पंचायत चुनाव में 1,19,000 बूथों का गठन किया गया था। इन बूथों का गठन 700 मतदाताओं के आधार पर किया गया था। इस बार 100 मतदाता हर बूथ पर बढ़ाए जाएंगे। बताते चले कि बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग ने होने वाले पंचायत आम चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। राज्य में पंचायत चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए आयोग सभी प्रकार की तैयारियों की समीक्षा कर उसको दुरुस्त कर रहा है, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। मिली जानकारी के मुताबिक इस बार बिहार में पंचायत चुनाव 9 से 10 चरणों में कराए जाएंगे। खबर यह भी है कि एक जिला में एक ही चरण में चुनाव संपन्न होंगे, ताकि जिला में ज्यादा दिनों तक आचार संहिता लागू ना रहे। बताते चले कि राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के तहत 2,58,000 पदों के लिए चुनाव कराए जाने हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।